सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में बाल महाभारत कथा का अध्याय नंबर 3 अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि महाभारत की कथा महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी थी। ये अंबिका है, ये अंबालिका और ये अम्बा, ये तीनों बहनें हैं और ये तीनों काशीराज की कन्याएं हैं। ये राजा चारु हैं, ये भीष्म पितामह जी हैं और ये परशुराम जी हैं। पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि राजा शांतनु की दो रानियाँ थी, एक गंगा दूसरी सत्यवती। गंगा से उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम देवव्रत था और सत्यवती से दो पुत्र हुए, एक चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद छोटी उम्र में ही गंधर्वों के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य अब उनके स्थान पर राजा बन जाते हैं, लेकिन इनकी आयु अभी छोटी है। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक भीष्म पितामह ही सारा राजकाज संभालते थे। अब विचित्रवीर्य बड़े हो जाते हैं, विवाह के योग्य हो जाते हैं। इधर काशीराज की तीनों कन्याओं का स्वयंवर होता है। स्वयंवर क्या होता है बेटा? उस वक्त कन्या को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी। राजकुमारियाँ अपना वर खुद चुनती थी। स्वयंवर रचाया जाता था जिसमें राजकुमारी अपनी मर्जी से किसी भी पुरुष का चयन कर सकती थी। अब भीष्म पितामह जी विचित्रवीर्य को लेकर राजा काशीराज के दरबार में पहुँचते हैं, तो काशीराज के दरबार में अन्य जो राजा आए हुए थे वो सब भीष्म पितामह का मजाक करने लगते हैं या उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने तो, यानी कि भीष्म पितामह ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था, तो स्वयंवर में आने का इनका क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन का अर्थ होता है बेटा? क्या कारण है? अब अम्बा, अंबिका और अम्बालिका भी तीनों राजकुमारियाँ भीष्म को अनदेखा कर देती हैं। अब भीष्म पितामह अन्य राजाओं से युद्ध करके तीनों राजकुमारियों को रथ में बिठाकर हस्तिनापुर ले आते हैं। उधर अम्बा भीष्म पितामह को एकांत में ले जाती है और उन्हें बताती है कि वो सोप देश के राजा शाल से प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती है। तब राजा भीष्म अम्बा को वापिस काशीराज में भेज देते हैं। उधर अम्बा राजा